सत श्री अकाल दोस्तों, अपना पंजाब पंजाबी लोक चैनल से तुहाडा स्वागत है। मैं बलराज लैके हाजिर हां जिहड़ियां कुछ अहम ते खास खबरां। खेती कानूनों खिलाफ जिथे दिल्ली में रोस प्रदर्शन अज 8वें दिन भी जारी रहा, उत्थे पंजाब ते होरना सूबियां दे किसानों तो इलावा पंजाब के पिंडां विचों भी हुण किसानों का पुजना लगातार जारी है। किसानों के समर्थन में खिडारियां अध्यापकां ते होर वर्गां का उतरना खेती कानूनों खिलाफ घोल नूं होर मजबूत कर रहा है। उधर खेती कानूनों खिलाफ चल रहे प्रदर्शन दौरान अज केंद्र सरकार ने किसान आगुआं मीटिंग लई सद्या है। यह मीटिंग दोपहर 12 बजे तो जारी सी ते देर शाम तक चलन दे सार सन। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेती कानूनों उत्ते पैदा हुई पेचीदा स्थिति दे छेती हाल लई पंजाब दे पक्ष नूं दोहरांदिआं केंद्र सरकार नूं इन्हां कानूनों बारे अपने स्टैंड नूं मुड़ विचारन की अपील की। इस दे नाल ही उन्होंने किसानों नूं भी समस्या नूं फौरी सुलझाउण लई राह लभण की अपील की है, क्योंकि जो मौजूदा हालात नाल जिथे सूबे दे अर्थचारे उपर मारू असर हो रहा उत्थे ही कौमी सुरक्षा लई गंभीर खतरा पैदा होया है। मुख्यमंत्री ने अज दिल्ली विखे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल अहम मीटिंग दौरान समस्या नूं तुरंत हल करन दी लोड़ ते जोर दिता। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री नूं अपील की कि भारत सरकार किसानां दे सरोकार सुझाउण नूं यकीनी बनाए। श्री शाह नाल मीटिंग उपरंत मुख्यमंत्री ने संखेप गल्लबात दौरान पत्रकारां नूं दस्सिया कि भावें उह अते उन्हां दी सरकार विचोलगी लई किसे वी तरह शामिल नहीं आ ते मसले नूं केंद्र सरकार अते किसानां वल्लों हल कीता जाणा, पर इसदा छेती हल पंजाब अते मुल्क दोवां दे हित विच है। घट्टो घट्ट समर्थन मुल नूं सुरक्षित बनाउण अते मंडी प्रणाली ते आधारित APMC नूं जारी रखण दी लोड़ उत्ते जोर दिंदिआं मुख्यमंत्री ने श्री शाह नूं मसले दे फौरी हल लई किसानां दी गल खुल्ले मन नाल सुणन दी अपील की, तां कि पंजाब ते होर सूबिआं तों शामिल वड्डी गिणती विच औरतां समेत किसान आपणे अपने घरां नूं परत सकण। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मसले दा छेती हल लभणा होवेगा। उन्हां कहा कि उह केंद्रीय गृह मंत्री नूं मिलण लई आए हन तां कि किसानां अते केंद्र सरकार दरम्यान पैदा हुई स्थिति के नाल नाल किसान भाईचारे ते खेती सैक्टर के भविख नूं सुरक्षित बनाउण लई पंजाब दे पक्ष नूं मुड़ रख्या जा सके। उधर पंजाब के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त करने का ऐलान किया है, जिस लई साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति नूं चिट्ठी भी लिखी है। प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नूं चिट्ठी लिखकर खेती कानूनों का विरोध किया, सरकार वल्लों किसानां दे ढाहे गए तशद्दुद की निखेधी की, पद्म विभूषण नूं वापस कर दिता। उन्होंने लिखा कि मैं जो भी हाँ किसानां दी वजह नाल हाँ। उधर सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी अपना पद्म विभूषण अवार्ड वापस करने का ऐलान किया। उन्होंने ये अवार्ड 2019 दिता गया सी। उधर दिल्ली में भीम आर्मी के मुखी चंद्रशेखर सिंघू बार्डर से प्रदर्शन कर रहे किसानों नूं मिले। उन्होंने कहा जेकर सरकार तानाशाह बन जाती है तो लोगों को सड़कों उत्ते उतर आना चाहिए है, असी इत्थे अपने किसानों का समर्थन करन लई हाँ ते अंत तक उन्हां दे नाल खड़े हाँ। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज काले खेती कानूनों विरुद्ध चल रहे संघर्ष में शिरकत करते समय दो किसानों गुरजंट सिंह और गुरबचन सिंह के देहांत उत्ते अफसोस जाहिर किया। मुख्यमंत्री ने मानसा ते मोगा जिलों के वसनीक दोवां किसानों के परिवारों लई 5-5 लाख रुपए की माली इमदाद देन का ऐलान किया है। मृतक किसानों के परिवारक मैंबरों नाल दुख साझा करदिआं मुख्यमंत्री ने अकाल पुरख अगे विछड़ियां रूहां नूं अपने चरणों में सदीवी नवास देन अते परिछे परिवारों नूं भाणा मनन का बल बख्शन लई अरदास की। जिक्रयोग है कि मानसा जिले के पिंड पछुआणा के किसान गुरजंट सिंह की खेती कानूनों विरुद्ध संघर्ष दौरान दिल्ली में मौत हो गई थी, जदों कि मोगा जिले के पिंड भिंडरकलां के किसान गुरबचन सिंह 85 बुधवार को मोगा विखे रोस प्रदर्शन दौरान दिल का दौरा पैण कारण फौत हो गए सन। उधर पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने अज चंडीगढ़ विखे अपनी सरकारी रिहायश से यूनीलैटरल डिसीजनज बाईलैटरल लॉजिस पुस्तक रिलीज़ करन मौके कहा कि कौमांतरी वाघा अटारी व्यापारक रस्ता भारत ते पाकिस्तान दरम्यान महज एक सड़क ही नहीं बल्कि दोवां गुआंढी मुल्कां दरम्यान शांतिपूर्वक संबंधां ते खुशहाली लई बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय एशिया तक इसकी पहुँच पंजाबियों की आर्थिक अते समाजिक उन्नति लई अहम है। नवी दिल्ली आधारित खोज अते नीति माहिर संस्था ब्यूरो ऑफ रिसर्च आन इंडस्ट्री एंड इकनोमिक्स फंडामेंटल दे डायरैक्टर अपाक हुसैन अते एसोसीएट डायरैक्टर निकिता सिंगला वल्लों लिखी इस पुस्तक में अंतरराष्ट्रीय व्यापार घाटे को घटाने लई दर्शाए नुक्तों बारे जानकारी दिंदिआं सरदार बादल ने गुआंढी मुल्कां नाल व्यापारक संबंधां दी मौजूदा स्थिति ते चिंता जाहिर की। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं पंजाब सरकार वल्लों भारत सरकार कोल वाघा अटारी व्यापार की बहाली के मामले की पैरवाई करांगा। उन्होंने कहा कि पंजाब विच व्यापार दीआं अथाह संभावनावां हन। किसान अंदोलन कारण पंजाब के कारोबारियों दीआं मुश्किलां फिर तो वध सकदी है। आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने चेतावनी दिंदे हुए कहा कि जे सरकार ने 8 दसंबर तक किसानों दीआं मंगां ना मनियां तां ट्रांसपोर्टर पूर्ण रूप में चक्काजाम करके किसानों के संघर्ष में साथ देणगे। उधर पंजाब सरकार वल्लों 3 दसंबर नूं अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मौके दिव्यांग व्यक्तियों लई दित्ते जांदे स्टेट अवार्डां दी व्यक्तियों की चोण ना होण करके स्टेट अवार्ड लई अपलाई करन वाले दिव्यांग व्यक्तियों के मनां विच वी पंजाब सरकार खिलाफ़ गुस्सा देखण नूं मिलिया है। कुछ व्यक्तियों ने कहा कि पंजाब सरकार असल में दिव्यांग लोगों की सार ही नहीं लैंदी। इह सन अज दीआं कुछ अहम ते खास खबरां। धन्नवाद।